डिस्पर्स करते हैं इसको, और ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और जो अभी फ़िलहाल चौधरी साहब आज रात में यहीं रुकेंगे, तो उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो हमें कल पता चलेगा। कल हम कोर्ट में भी जाएंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि बेसिकली सब कुछ बेबुनियाद है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पॉलिटिकल वेंडेटा है ये, जो कि मैं आपको पहले भी नाम देता आया हूँ और आज भी नाम लूँगा। उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह DMO, ठीक है। और इससे डॉक्टर जितेंद्र सिंह चोर भी हम हो, देखिए तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोर PMO मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डोगरा PMO मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए सारे जो डिपार्टमेंट वाले हैं अपना काम कर रहे हैं, अब इनको भी पॉलिटिकल पार्टियां नचा रही हैं। BJP का काम ही यही है, आपको पता है 95% ED के केसेस हैं ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर है, ऑपोजिशन और उसमें से 5% है जो बिजनेसमैन और लोगों के ऊपर है। तो सर ये जो 95% केसेस ऑपोजिशन लीडर है, बेसिकली ऑपोजिशन ख़त्म करने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई है। और हमारे वर्कर्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सब पॉलिटिकल है। ये एक दिन की हेडलाइन की न्यूज़ चाहिए थी उनको, मिल गई, वो उनको मिल गई। और इसके बाद कुछ ही दिनों में चौधरी साहब हमारे साथ होंगे और ये जल्द डोगरा की आवाज चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, डुग्गर की आवाज चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, जम्मू की आवाज चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद। और उन्होंने मैसेज भेजा था, सबका शुक्रिया अदा किया लोगों का, सामने देखिए कहा कि पर्सनली सबका शुक्रिया अदा करना, सबसे हाथ जोड़ के मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये लोग 13 घंटे रेड वाले दिन, 12 घंटे फर्स्ट टाइम जब उनको बुलाया था सैटरडे को उस दिन, और 10 घंटे कल के दिन ये सब लोग इकट्ठा थे, सारे लोग ने शिरकत की इस उनके साथ। और आज भी जैसे इमीडिएट मैसेज ये हुआ कि चौधरी साहब को यहाँ ED द्वारा लाया गया, तो सारे लोग बिना किसी अपने मोबाइल से ही देख के, बिना किसी मैसेज के यहाँ तक पहुँचे। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे मैं आखिरी बार उनका जो मैसेज है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है, कल ये हम इनको लीगली भी देखेंगे और पॉलिटिकली भी देखेंगे। पॉलिटिकली हमें बिल्कुल स्ट्रांग है, कोई ये लीडर सोचेगा ऑपोजिशन का कि किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने से वो दब जाएगा, उसको मैं ये याद दिला दूं, अगर किसी के लिए आप खड्डा खोदे आपके लिए कुआं पहले तैयार होता है। पक्का अभी हमने खबरें जो लाइव की इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह बिल्कुल जी जी कर रहे थे, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। चोर ने अपनी चोरी दिखल दी है ना मैम, डॉक्टर जितेंद्र सिंह वाचिंग कर रहे हैं यार, चोर अपनी बड़ी स्क्रीन पे बैठ के देख रहे होंगे, ठीक है ना सर। अभी ये शुरुआत भी नहीं हुई है हमारी तरफ से, अब हम रोड पे उतरना शुरू करेंगे, अब हम रोड पे उतरना शुरू करेंगे, जलसे जुलूस शुरू करेंगे, और ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी ये, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल है। और ये चीज़ जो है हम ऐसे आसानी से जाने नहीं देंगे। और मैं सब डोगरों को समझा दूँ, देखिए हमारी लड़ाई डिपार्टमेंट से नहीं है, हमारी लड़ाई है पॉलिटिकल। और वो आदमी यहाँ इस जमीन पे आके कोई जलसा जुलूस कर जाए, कोई रैली कर जाए, तो हम पे लानत है, जम्मू की जनता थूकेगी उन पे, हम पे लानत है, नहीं होने देंगे। जी सर मैंने चौधरी साहब से बात की थी, उनका मैसेज भी मैंने पास ऑन सर। चौधरी साहब जो है बॉर्न पॉलिटिशियन है सर, हम कोई शुगर के डॉक्टर नहीं थे पहले, हम बॉर्न पॉलिटिशियन है। वेरी गुड चौधरी लाल सिंह, चौधरी लाल सिंह सर। अब हम घर जाएंगे, कल से रैलियां शुरू करनी है सर, लोग इकट्ठा करने हैं, जलसे जुलूस करने हैं, प्रोग्राम बनाने हैं, मीटिंग्स करनी है। और सबको मैं आपके माध्यम से बता दूं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की रैली में कोई शिरकत नहीं होगी किसी की भी, कोई सपोर्ट नहीं होगी किसी किस्म की भी, नहीं होगी शेम, नहीं होगी। अगर जूते के हार डालेंगे, अगर आपको, मुझे पता है उसके भी काबिल नहीं है वो, मुझे भी पता है कि वो पैसे देके लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है।
मैं लोगों का पैसे ले लो उससे जाना नहीं ठीक है ना, टेंशन कोई नहीं लेनी। सर अननोन डेस्टिनेशन कौन सी है जम्मू कश्मीर से बाहर, कौन सी है?